सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष आपके कुछ जिज्ञासाओं का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा यह आई है कि वेद में शराब विरोध है, परंतु आयुर्वेद में इसका समर्थन, क्या ये परस्पर विरोधी नहीं? देखिए, वेद में तो मद्यपान का निषेध है और किसी भी सदग्रंथ में इसका निषेध ही होना चाहिए और होता है और है ऐसा। अब बात इसकी है कि क्यों निषेध है? निषेध इसलिए है क्योंकि मद्यपान से हमारी मति भ्रमित हो जाती है। तो जहाँ मति का भ्रम हो जाए, मध्य जो है वह तामसी गुण और राजसी गुण वाला होता है, इसलिए इनका समर्थन कोई भी ग्रंथ नहीं करता है। अधिकतर जितने भी संप्रदाय हैं वहाँ पर इसका निषेध ही है। तो फिर आयुर्वेद में इसका समर्थन क्यों है? यह एक स्वाभाविक जिज्ञासा है। तो आयुर्वेद में इसका समर्थन सशर्त है, ऐसा नहीं है कि पूरी खुली छूट है। आयुर्वेद में इसका समर्थन किया गया है तो सिर्फ औषधि के अर्थ में किया गया। तो जब औषधि के अर्थ में कोई चीज होती है तो वहां पर मात्रा आपके सीमित हो जाती है। तो जब जहां मात्रा सीमित कर दी जाती है वहां औषधि गुण तो विश्व में भी उपलब्ध होता है। आयुर्वेद में तो विश्व को भी दवा के अर्थ में प्रयोग करने का विधान दिया हुआ है और उसकी कीमिया भी दी हुई है। तो इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि आयुर्वेद में वेद का विरोध है। वेद का विरोध आयुर्वेद में नहीं है क्योंकि वह तो वेद का एक अंग है, लेकिन वहां पर इससे कोई वैर भी नहीं किया गया है। आयुर्वेद में कोई वैर नहीं किया गया है मध्य से या फिर विष से या उपविष से या और जिसको जैसे मछली है, मांस है, अंडा है, इन सबसे किसी से भी आयुर्वेद में विरोध नहीं। आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है कि हमारी आयु कैसे बढ़ जाए, हमारे रोग कैसे ठीक हो जाएं, हमारे शरीर में ओज तेज कैसे आ जाए, हमारा स्वास्थ्य कैसे बढ़िया हो जाए। तो स्वास्थ्य बढ़िया करने के लिए जिस भी चीज का सेवन किया जा सकता है, जिस विधि से किया जा सकता है, जहां तक किया जा सकता है वहां तक उसका समर्थन है, और एक सीमा के बाद फिर जो है समर्थन नहीं है। तो आयुर्वेद में ऐसा नहीं है कि आपको पूरी खुली छूट दे रखी है कि आप जितना मर्जी उतना दारू पीजिए, ऐसा नहीं किया गया है। वहाँ पर भी इसकी जो है कंडीशन रखी गई है और अधिक में जो है निंदा की गई है। मैं आपको आयुर्वेद शास्त्र में ही जो उसकी निंदा है उसकी बताता हूँ। बुद्धिम लुम्पति यद यद द्रव्यम मदकारी तदुच्चैते तमो गुण प्रधानम च यथा मध्यम सुरादिकम। तो इसका अर्थ यह है कि मध्य जो है जो बुद्धि को हमारा पंगु बना देता है, और ऐसा द्रव्य जो मदकारी कहा जाता है, जो हमारी बुद्धि को पंगु बना देता है, यह तमोगुण प्रधान है और इसलिए मद सुरा आदि जो है ये सब तमोगुण प्रधान होने के कारण वर्जित एक तरह से हैं एक विशेष मात्रा में। लेकिन थोड़ी मात्रा में तो चाहे तंबाकू हो वह भी कहीं पर दवा का काम करता है, चाहे अफीम हो वह भी दवा का काम करता है। जैसे कि मान लीजिए खांसी वगैरह में अफीम का प्रयोग होता है, भांग है उसका भी प्रयोग होता है, कहीं ना कहीं
भांग का प्रयोग होता है, जैसे भांग भूख लगाता है, भांग जो है यौन शक्ति की भी वृद्धि करता है, तो भांग का भी उपयोग है अपना, गांजा का भी उपयोग है, लेकिन वो कुछ ही मात्रा में है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है वो असीमित प्रयोग करते रहें, जीवन भर प्रयोग करते रहें, बराबर प्रयोग करते रहें, ऐसा नहीं। जब आप स्वस्थ हो जाते हैं तो उसको छोड़ देते हैं, तो वहाँ पर शराब का जो सेवन का है, अच्छा उसके बाद विधि का भी बताया गया, आसव रूप में उसमें औषधि मिली हुई हो, शराब जो है वो आसव रूप में या अरिष्ट रूप में, ये दो रूप में प्रयोग करने के लिए विधान किया गया है आयुर्वेद में, कि शराब को आप दो रूपों में प्रयोग करें, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की औषधियां जो है मिलाई जाती हैं। और आजकल जो ऐसे शराब किसी भी अगर औषधि उसमें नहीं मिली है तो किसी भी तरीके से उसमें प्रयोग किया जाएगा तो वो कुछ ना कुछ जो है नुकसान ही पहुंचाने वाला है, वो फायदा पहुंचाने वाला नहीं है। तो वैसे तो लाभ तो जो और वो आसव के रूप में, अरिष्ट के रूप में हम लेते हैं, जैसे द्राक्षारिष्ट है, द्राक्षासव है, तो अर्जुनारिष्ट है, अर्जुनासव है, हाँ, तो इस तरह से बहुत सारे अरिष्ट और आसव हैं, दस मूलारिष्ट है, दस मूलासव है, तो आसव है चाहे अरिष्ट है, उस अर्थ में जब वो है यानी उसमें औषधि मिली हुई है तो उसका फायदा होता है, हमारे हृदय को मजबूत करता है, ये जो है हमारे यकृत को भी सक्रिय करता है, भूख लगाता है, भोजन पचाता है, और व्यक्ति में कुछ खुमारी भी लाता है, यानी कुछ आनंद की उत्पत्ति भी वह करता है, और भयंकर कष्ट से भी वह मुक्ति देता है। तो यह तो फायदा तो होता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो वही यकृत भी खराब कर देता है, और फिर आदमी को भूख नहीं लगने लगती है, सूखा सूखा रहता है मुंह, उसकी ओज शक्ति घटने लगती है, नपुंसक होना शुरू हो जाता है, वह आदती हो जाता है। तो इस तरह से है, तो वह एक विशेष अर्थ में प्रयोग होता है, विशेष भोजन के साथ, उसका भोजन भी दिया गया है आयुर्वेद में कि हम कैसे भोजन के साथ उसको करें, ऐसा नहीं है कि कुछ भी खा लिए और उसके बाद दारू भी पी लिए। किसी किसी के लिए जो है दारू जो पहले पीना है, किसी के लिए बाद पीना है, किसी के खाना खाते समय पीना है, यह तीन विधान वो दिया गया है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि मनमाना ढंग से कोई भी शराब पीने लगेगा, तो क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि आप नशे में धुत होने लगे, कुछ समझ में आने लगेंगे, अनैतिक कार्य करना शुरू कर देंगे, लोग गाली बकने लगते हैं, गड्ढा में गिरने लगते हैं, झगड़ा कर मारपीट करना शुरू कर देते हैं, तो इस तरह से वो करने लगते हैं। तो ऐसा जो है कहीं पर कोई भी उसको समर्थन तो नहीं कर सकता है ऐसी स्थिति में, लेकिन वो कुछ लोगों को वो पीना है तो उसके लिए विशेष तरह का जो है वो भोजन भी वो किया गया है कि आप भोजन किस प्रकार के करेंगे, हाँ, तो ही आप जो है सही रह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि उदाहरण के लिए कोई जो शीत प्रकृति का है तो उसमें जो है वह थोड़ा सा जो शीत प्रकृति का है वह जब उसको लेता है तो उसके साथ जो है कुछ गर्म चीज होनी चाहिए खाते समय, कफ प्रकृति का है व्यक्ति तो कुछ मरीच वगैरह उसके साथ खाए, गेहूँ जो खाए, जो हल्का सा जो तीखा है जो शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है, वैसे ले जो कर्क प्रकृति वाले हैं, जो पित्त प्रकृति के लोग हैं वे लोग जो है उसमें से कोई ठंडी चीज वगैरह मिला उला करके खाते हैं, उसके साथ पीते हैं, ठंडी चीज को लेते हैं और उसके साथ उसको लेते हैं। इसी तरह से जो वात प्रकृति के लोग हैं तो वात सामक चीज जो होती है जैसे कि हींग आदि हुआ, सोडा आदि हुआ, तो
उसको उसमें मिला करके वो लेते हैं, तो वह जो है लाभकारी होता है। तो खैर मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इतने में। हरिओम।